हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्रिकेट लॉन्ड्री पे आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, मुंबई का फ्लॉप शो जारी है। जी हाँ, ख़राब बल्लेबाजी, ख़राब गेंदबाजी, ख़राब कप्तानी जारी है। मुंबई कल हार गया। जी हाँ, केकेआर ने मात दे दी 24 रनों से। तो केकेआर ने कल पहले बल्लेबाजी करते हुए 169 रन बनाए। पूरी टीम 169 पे ऑल आउट हो गई। नुवान तुषारा जिन्होंने केकेआर के बल्लेबाजों को शुरुआती झटके दिए, साल्ट नारायण जल्दी आउट हुए, मैंने प्रेडिक्शन दी थी। श्रेयस अय्यर का विकेट भी तुषारा ने निकाला। इसके बाद बल्लेबाजी की कमान संभाली श्रेयस अय्यर के हमनाम वेंकटेश अय्यर ने। जी हाँ, वेंकटेश अय्यर ने और मनीष पांडे ने अपने कंधों पे बल्लेबाजी का जिम्मा लिया और दोनों ने ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 80 रनों की पार्टनरशिप करी। मनीष पांडे ने जहां 41 रन बनाए, वहीं श्रेयस अय्यर ने 69 रन की इनिंग खेली, ज़बरदस्त बल्लेबाजी की, 3 छक्के लगाए इन्होंने, 4 चौके जड़े और केकेआर को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। मुंबई की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट निकाले, ज़बरदस्त गेंदबाजी की। नुवान तुषारा जिन्होंने तो शुरुआत में ही केकेआर को बैकफुट पर ढकेल दिया था और ऐसा लग रहा था ये मुकाबला मुंबई आसानी से जीत जाएगी, लेकिन मुंबई की खराब बल्लेबाजी जारी है। रोहित शर्मा एक बार फिर सस्ते में आउट हुए। ईशान किशन को स्टार्क ने बोल्ड कर दिया। नमन धीर को जहां वरुण चक्रवर्ती ने बोल्ड कर दिया। तो पूरी टीम बैकफुट पे चली गई थी। 72 रनों पर 6 विकेट थे मुंबई के। बल्लेबाज आउट पे आउट होते जा रहे थे। इसके बाद मोर्चा संभाला सूर्य कुमार यादव ने। जी, सूर्या की चमक कल बिखरी, 56 रन की पारी खेली, लेकिन सूर्य कुमार के आउट होते ही ये मुकाबला मुंबई के हाथों से फिसल गया। अंत में टिम डेविड ने 24 रन बनाए, लेकिन काफ़ी नहीं थे और मुंबई की टीम 24 रनों से ये मुकाबला हार गई। स्टार्क ने ज़बरदस्त गेंदबाजी करते हुए आखिरी ओवर में 3 विकेट निकाल दिए। जी हाँ, 2 बोल्ड मारे और ये मुकाबला मुंबई को जिता दिया। तो केकेआर की कल गेंदबाजी काफ़ी ज़बरदस्त रही। स्टार्क ने 4 विकेट निकाले, वहीं वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट निकाले, आंद्रे रसेल ने 2 विकेट निकाल दिए, सुनील नारायण ने 2 विकेट निकाले जिसमें रोहित शर्मा का भी विकेट था। तो दोस्तों, मुंबई कल फिर हारा और मुंबई की फ्लॉप बल्लेबाजी, फ्लॉप शो जारी है। तो आज क्या होना है आईपीएल में? जी हाँ, आज है आरसीबी वर्सेस गुजरात। जी हाँ, गुजरात की टीम टकराएगी आज आरसीबी से। तो आरसीबी जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी। तो फिर से आरसीबी चाहेगा कि रन मशीन कोहली के बल्ले से एक बार फिर से रन निकलें ताकि आरसीबी को मजबूत शुरुआत मिले। डुप्लेसिस छोटी पारी खेल रहे हैं, लेकिन इनको आज लंबी पारी खेलनी पड़ेगी। वहीं रजत पाटीदार होंगे, लेकिन एक बंदा जो है इसमें विल जैक्स। जी हाँ, विल जैक्स का जलजला, विल जैक्स का तूफान अगर आज आ गया वापस, तो गुजरात के लिए बड़ी मुसीबत होने वाली है। अभी पिछले मुकाबले में जैक्स ने 41 गेंद में शतक जमा दिया। 10 छक्के मारे इन्होंने। राशिद खान के एक ओवर में 32 रन जड़ दिए, 4 छक्के मारे थे इन्होंने। तो विल जैक्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। गेंदबाजी करण शर्मा, स्वप्निल सिंह, यश दयाल और सिराज, जी हाँ, ये गेंदबाजी कर रहे हैं, ज़बरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। तो गुजरात और आरसीबी के बीच का ये मुकाबला ज़बरदस्त होने वाला है। प्रेडिक्शन मेरी कह रही कि आरसीबी जीतेगा ये मुकाबला और आरसीबी अंक तालिका में थोड़ा सा और ऊपर बढ़ेगा। तो गुजरात को अगर जीतना है मुकाबला तो शुरुआत अच्छी करनी पड़ेगी। शुभमन गिल को अच्छे खासे रन करने पड़ेंगे, साहा को रन करने पड़ेंगे। इसके अलावा मध्य क्रम में साई सुदर्शन, शाहरुख खान, जी हाँ, पिछले मैच में अच्छी बल्लेबाजी की, इनको ज़बरदस्त बैटिंग करनी पड़ेगी। डेविड मिलर, तेवटिया को बल्ले से रन निकलने चाहिए, अदरवाइज़ गुजरात ही मुकाबला हार जाएगा। राशिद खान अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो राशिद खान के ऊपर डिपेंड करेगा कि उनकी गुगली में इस बार आरसीबी फंसती है या नहीं। तो दोस्तों, प्रेडिक्शन हो गई है, गुजरात हारेगी आज का मुकाबला, आरसीबी जीतने वाली है आज का मैच। बने रहिए क्रिकेट लॉन्डे पर, शाम 7 बजे जुड़िए मेरे लाइव से। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।